फिलहाल फिल्म का बजट 240 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन पहले दिन फिल्म ने 52 करोड़ रुपए का धुआंधार बिजनेस कर लिया है। फिलहाल फिल्म का बजट 240 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। पूरी फिल्म 2 घंटे 44 मिनट की है। आमिर खान के फैन हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। आइए, आमिर खान गीत को लेकर इनको डेडिकेट करना चाहते हैं। आमिर खान को सर मैं क्या बताऊँ, मैं अभी मुझे क्या हूँ, अभी सर की इतनी अच्छी मूवी लगी, मैं क्या बताऊँ। मैं उनका ऑलरेडी फ्रेंड हूँ और एक गाना सुनाना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सारी सिफारिश जो करता हमारी बेताब तुमको बता, सारी सिफारिश जो करता हमारी, क्या मजा आ गया। जो ध्यान से देखेंगे सही तरीके से समझेंगे उस फिल्म को, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत किया सबने और मुझे पिक्चर देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो वैसे आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने तो उनके साथ काम भी किया हुआ है। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और जैसे ही देख के निकला मैं बता नहीं सकता, मुझे इतनी अच्छी फिल्म लगी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान यानी मिस्टर पॉप एक्शन की फिल्म ठप टॉप हिंदुस्तान का बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन जारी है। अच्छी लगी और काफी अच्छी फिल्म है। बहुत अच्छी है।
मैम का लगाओ सर, बहुत अच्छी है, वंडरफुल, बहुत अच्छी है, वंडरफुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पहले 2018 में ओपनिंग की बड़ी फिल्में कलेक्शन कर चुकी हैं। हम फिल्म संजू की बात करें तो 34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था ओपनिंग डे पर, रेस 3 29 करोड़, गोल्ड 25 करोड़ रुपए किया है, वहीं बागी 2 ने भी 25 करोड़ रुपए का धुआंधार बिजनेस कर चुकी है। इससे पहले सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ओपनिंग डे पर 39 करोड़ और बाहुबली 2 ओपनिंग डे पर 40 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। आमिर की फिल्म को धूम 3 के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट की है। फिलहाल फिल्म का बजट 240 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। पूरी फिल्म 2 घंटे 44 मिनट की। आमिर खान की पिछली फिल्म के परीक्षण की बात करें तो धूम 3 36 करोड़, दंगल 29 करोड़, पीके 26 करोड़ का ओपनिंग डे पर कलेक्शन किया था। फिल्म जिस तरह से कारोबार कर रही है, आने वाले 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर लेगी। फिल्म आमिर खान की हो और उनके फैन सिनेमाघरों में ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल आमिर खान की फिल्म सक्सेस ऑफ हिंदुस्तान को देखने के लिए उनके फैन बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं। आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे, कैसा लगा आपको दोनों लोगों को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए? आमिर खान सर, आमिर खान और कटरीना कैफ की जोड़ी कैसी लगी आपको फिल्म में? क्रिटिक्स का रिव्यू बेटर ना होने के बावजूद भी फिल्म का रिस्पॉन्स बेटर दिख रहा है। आमिर खान के साथ साथ अमिताभ बच्चन के भी फैन यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, क्योंकि आमिर खान और अमिताभ बच्चन पहली बार दोनों लोग एक साथ फिल्म शेयर कर रहे हैं। फिलहाल दिवाली के और रखिए अपना ख्याल। सम्मान के साथ।